हेलो दोस्तों। तो आज मैं कोई रेसिपी का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आज का जो वीडियो है किचन टिप्स और भी रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में काम आने वाले हैं उस तरह के कुछ टिप्स हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला टिप्स तो मैं सब्ज़ी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। मुंबई में तो खास करके बहुत ही बारिश हो रही है, एक महीने से लगातार तो बहुत ही बारिश है। और सब्ज़ियाँ क्या हो जाती है कि बारिश में बहुत जल्दी गल जाती है। तो सब्ज़ियों को सबसे पहले मैं लाके क्या करती हूँ कि धो देती हूँ अच्छे से और जाली में छान देती हूँ उनको। तो इससे क्या होता है कि आपका सब्ज़ी एक तो फ्रेश हो जाता है, बहुत गंदी जगह से कहाँ कहाँ से वो आता है पता नहीं, बहुत सारा गंदगी रहता है सब्ज़ियों में। तो उनको अच्छे से ज़रूर इस तरह से देखिए धोकर और छान लेना चाहिए। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सारे सब्ज़ियों को मैं पंखे के नीचे डाल देती हूँ सूखने के लिए। अगर आपका सब्ज़ी दिन में आप धो दिए हैं पानी के नीचे तो दिन में ही डाल दीजिए, मैं रात भर छोड़ देती हूँ इस तरह से देखिए फैलाकर पंखे के नीचे। अदरक मिर्ची जो भी सब्ज़ी है, सारा कुछ जो भी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे बीट रूट मिर्ची, इस तरह से मैं सबको फैला लेती हूँ। और अच्छे से इसका पानी सूख जाता है जब, तब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में भी रखने के इसके कई तरीके हैं। देखिए जैसे ये जो मेथी के पत्ते हैं इनको तोड़ के रखिएगा और करेले को काट कर रखिएगा तो ये 15 दिन तक आपके ख़राब नहीं होने वाले। और ये जो परवल है ना, इसको अगर आप एयर टाइट डब्बे में भर कर रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 15 दिन चल जाएगा। इसी तरह से सारे सब्जियों का भी है, शिमला मिर्च अदरक मिर्ची अगर आप एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो ये बहुत दिन चलता है। दूसरा टिप्स ये है नेल रिमूवर जो आता है ना, वो मैं ली हूँ यहाँ पर। और नेल रिमूवर से देखिए ये जो अपना बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड, कितना भी गंदा क्यों ना हो ये साफ़ हो जाता है। अच्छा, स्विच बोर्ड साफ़ करने से पहले आप मेन स्विच को ज़रूर ऑफ़ कर लें, तभी आप किसी चीज़ से भी साफ़ करें। यहाँ पे स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए दूसरा तरीका है, कोई भी पुराना कॉलगेट ले ले, कोई भी कंपनी का हो, डाबर लाल या कॉलगेट जो भी, उससे आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे स्विच में लगा कर इसको पानी से नहीं गीला करना है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे एक छोटा सा टॉवल लेके और इसको इस तरह से पोंछ देना है, देखिए कितना क्लीन हो गया, एकदम चमक जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से ही साफ़ हो गया है। तो ये है तीसरा टिप्स। अब चलिए हम चौथा टिप्स बताते हैं। तो चौथा टिप्स है, देखिए यहाँ पे तांबा का लोटा है, देखिए कितना काला हो गया है। तांबे का बर्तन को यहाँ पर साफ़ करने के लिए मैं ली हूँ नींबू, हाफ नींबू, और ये है खाने वाला सोडा जो मीठा सोडा बोलते हैं, लाइटर, देखिए कितना गंदा है, लाइटर भी इससे एकदम साफ़ हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी सफाई करते हैं। नींबू में बस हम लेंगे मीठा सोडा, कुछ भी नहीं और लिए हमने, यहाँ पे कोई भी डिटर्जेंट या कुछ भी नहीं ली हूँ मैं, तो इसी से आज हम साफ़ करने वाले हैं। तो इस तरह से इस पे रगड़ते जाना है और ये अपने आप सारा गंदगी इसका निकल जाएगा और एकदम ये क्लियर हो जाएगा, आप देखिएगा लास्ट तक। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आपका लोटा, तो इसमें आप थोड़ा सा सर्फ भी ले लें साथ में और लास्ट में इसको आप अच्छे से धो देते। देखिए ये अब हम लाइटर को रगड़ेंगे इससे, लोटा को हमने रगड़ लिया है अच्छे से और लाइटर को इस तरह से, हम लाइटर को धोना नहीं है पानी से, लोटा को हम धोएंगे पानी से पर लाइटर को हम एक छोटा सा सूखा टॉवल लेके उससे हम पोछेंगे, क्योंकि लाइटर अगर हम धोएंगे पानी से तो ख़राब हो जाएगा। चलिए इसको अब हम पोंछ कर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह का एक मैं टॉवल ली हूँ और इससे मैं इसको पोंछ दी हूँ, तो थोड़ा सा और है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लाइटर कितना चमक गया है, एकदम साफ़ हो गया। यहाँ पर लोटा को मैं धो ले रही हूँ और ये देखिए लोटा कितना अच्छे से चमक गया है, पहले कितना गंदा था और अब कितना साफ़ हो गया है। अब चलिए हम पांचवा टिप्स बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एकदम काला तवा हम लिए हैं, देखिए लोहे का एकदम काला तवा है और इसको आज हम चमकाएंगे। बहुत हद तक ये मतलब साफ़ हो जाता है, एकदम से वाइट तो नहीं पर बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, आप देखिएगा खुद। यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ, गैस ऑन है, और यहाँ पर मैं ली हूँ फिटकरी। अब फिटकरी को पूरे तवा में हमें फैलाना है, तो यहाँ पे हाथ जल सकता है इसलिए क्या करना है कि गैस का फ्लेम कम कर देना है और एक चिमटा लेना है और इस तरह से पूरे तवे में हम फैलाएंगे। देखिए कि
कितना वाइट 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 होते जा रहा है ना। और ये जो मोटा वाला जो है बैठा हुआ तवे में, उसको हम इस तरह से जो बर्तन साफ़ करने वाला था ना जाली, उससे हमने साफ़ कर लिया है। तो देखिए तवा एकदम चमक गया है, बहुत हद तक ये साफ़ हो गया। अगर 2 से 3 बार इस तरह से हम करेंगे ना तो तवा एकदम साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे घर का एलोवेरा प्लांट है, हम लगाए हुए हैं गमले में, हमेशा ही मैं लगा के रखती हूँ। और एलोवेरा जेल आप घर पे बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इनको साइड वाले जो भाग है उसको छील के निकाल लीजिए, और पीला वाला जो निकलता है उनको भी आपको अच्छे से, और ये एलोवेरा का सारा पल्प देखिए इस तरह से चम्मच से निकाल लेना है, और इसका बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल बन जाता है। आप 15 दिन तक इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इसका मैं फुल रेसिपी शेयर करूँगी किसी और वीडियो में, कैसे जेल बनाना है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ प्याज के बारे में। प्याज आजकल क्या होता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा सड़ता है, तो पहले तो कि उसको जाली वाले में खुले में रखें, उससे भी अगर सड़ना बंद नहीं हुआ तो जो सड़ रहा है उस प्याज को इस तरह से आप छील के निकाल लीजिए, और इसको पानी डाल के छील के निकाले हुए प्याज को फ्रिज में रख लीजिए। 4 से 5 दिन तक आप इसको यूज कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जितने सड़े हुए मतलब सड़ रहे हैं उस टाइप के प्याज आपका यूज हो जाएगा, फेंकने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं लास्ट टिप्स, और ये है फल फ्रूट्स के बारे में। तो फल फ्रूट्स को भी आप देखिए जब भी मार्केट से लाते हैं उसको पानी में डाल के अच्छे से धो लीजिए और कपड़े में सुखा